आज गांव माड़ दीरांगण में कवि छत्र सिंह भजनी के घर पे पहुंचे हैं। उनके बेटे हैं मास्टर वीरेंद्र शास्त्री जी, आओ उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार मास्टर। नमस्कार जी। जी आप अपने बारे में बताओ जी। ऐसा जी, मैं वीरेंद्र शास्त्री पंडित छत्र सिंह भजनी का लड़का हूँ। अच्छा जी। चार पुत्र हैं इनके, मैं सबसे छोटा हूँ। ठीक है जी। पंडित छत्र भजनी थे जी, किसके शिष्य थे जी? ये जी सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद जाटियाले के शिष्य थे। अच्छा जी। और उनके अंतिम शिष्यों में से एक थे ये। ठीक है जी। मास्टर जी आप बताइयो, दादाजी ने कौन सी रचना रची है, लिखी है? इन काफ़ी रचनाएं लिखी जी, लगभग 15 रचनाएं लिखी थी, जिनमें 15 की 15 मंचन हुई, लेकिन 10-12 रचनाएं जो हमें उनके हाथ से लिखी हुई मिली, और 9-10 रचनाओं का तो किताब में भी छपी है, उनकी किताब बनी है। जैसे जी विराट पर्व है, कृष्ण जन्म है, और सूरजमल चिंतामणि है, नल दमयंती है, लवकुश उत्तरकांड है, इस तरह जी इनकी 15 के लगभग कथाएं हैं। और उनके और को फुटकड़ रागनी, इनकी फुटकड़ रागनियां बहुत हैं जी, प्रसिद्ध भी हुई हैं, आजकल लोग गांव भी हैं, लेकिन हमने दुख इस बात का है जी, जो हमारे पिताजी की रागनी है, आजकल लोग छाप काट के गाने लग गए हैं, इससे कवि की आत्मा को बड़ी चोट पहुंचती है, और ये हमें बहुत दुख है जी, हम जब सुनते हैं तो हमारा दिल बहुत दुखता है जी। उन रागनियों के नाम बताओ जी जो सुप्रीत रागनी रही है, मार्केट में आई है, आजकल के लोक कलाकार गाते हैं, और कौन सी रागनी है? ऐसा जी जैसे चीस लागरी चस चसोरी, इस तरह गाँव है इसने, लेकिन हमारे पिताजी ने ये बनाई है जी, चस चसोरी चीस लागरी हाथ बोचियो मेरा। अच्छा जी। जिनते जी पे आ जाएगी मेरी माँ ने कर दियो बेरा। अच्छा। क्योंकि जी हाथ जो के ऊपर सांप लड़ा था, इसलिए हाथ बोचियो मेरा, उन्होंने इस संदर्भ में इस तरह गाई है ये रागनी, लेकिन आजकल इसको तोड़ मरोड़ के गाँव हैं, चीस लागरी चस चसोरी हाथ बोचियो मेरा। अच्छा। इसका कोई रेफरेंस नहीं है, इसका कोई मेल नहीं खाता है, इसलिए हमें बड़ा दुख आ रहा है जी, आजकल ये काफ़ी जो है कवि इसको गाने लग रहे हैं, हम सुने भी, हमने काफ़ी दुख आया, कोई टाइम ऐसा था जी, हमारे पिताजी ज़्यादा जो है मीडिया का कुछ ला लो या ज़्यादा प्रकाशित नहीं हो पाए, इसलिए ये लेख लुख नहीं लिखे गए उन पर, और लोग उनकी मार्केट में लाकर आज गलत तरह से पेश कर रहे हैं, हमें बहुत दुख है। जैसे दूसरी अजी पीठ दिखा कर भाग गए मानस आए थे, जो मुसाफिर खोलिए मेरे तन में सीलक हो, बहुत अच्छी रागनी है, खोल बांध की प्रश्न उत्तर है, इसमें राजकुमारी प्रश्न करे है, राजकुमार उन्होंने खोल है उन बातों ने, लेकिन आजकल जो है मेरे पिताजी की एक लाइन है, उसकी जो छाप है उसने काट दे हैं, पंडित जी आगे उनके गुरु जी की छाप है वो ला दें, उनके लाइन काट दें जी, ये बहुत दुख है जी, क्योंकि कवि ने बहुत मुश्किल से बहुत मेहनत से रचना बनाई, उसकी छाप काट दें। मास्टर जी चीस लारी चस्तर सो की हो रही, उसकी चौथी के लिए बताइए। इनकी चौथी कली है जी, छत्र सिंह होके आनंद में भजन हरि के गाले, माता माता कह रहा से उसकी जाके धीर बंधा ले, प्यासे के होठ सूख गए जाके पानी प्याले, लक्ष्मी चंद पावे जाटी में मरम पट्टी करवा ले, सीधी जाले कनियर नीचे जित लाल पड़ा से तेरा, इस तरह है जी। लेकिन जो पहली जो लाइन है, छत्र सिंह होके आनंद में भजन हरि के गाले, इस पूरी लाइन ने काट कर कुछ और जोड़े हैं, जो कि ना तो तुकबंदी बनती ना उसकी लय बनती, पर दुनिया जो है इतरा के इसने गावे है, इससे दुख हमने बहुत ज़्यादा हुआ है। अच्छा, कवि का नाम काट दिया जी? हाँ जी, उनकी लाइन पूरी, उनके नाम में जो लाइन में जिसमें नाम था वो पूरी लाइन ही काट दी। और मास्टर जी पीठ दिखा के भाग गए मानस आए थे, जो उसकी चौथी कली बताइयो कैसे थी? इसकी चौथी कली इस प्रकार है जी, माली चावे रोज बरसना, धोबी मांगे करड़ी धूप, सतपुरुषा की रात चांदनी, चोर छपाना चाव रूप, सतवर्ती की प्रजा अच्छी, प्रजा पालक अच्छा भूप, दानी कह तो यहाँ और वहाँ भी, धन के माया के भरे भंडार, रंडी भोगे ऐस जगत में आगे जमदूता की मार, छत्र सिंह कहे दुखी भगत जगत में, धर्म राज के बेड़ा पार, पाप जगत में जागतार धर्म रहा पड़ सो, दुलारी बोलिए मेरे तन में सीलक हो, पीठ दिखा के भाग गए मानस आए थे, जो हो मुसाफिर खोलिए मेरे तन में सीलक हो। अच्छा जी, कोई दादाजी की कोई और रागनी सुपरहिट रही, उगाते हैं लोग? इनकी सुपरहिट रागनियाँ तो बहुत हैं जी, के गिनती है, लेकिन एक और है जो ज़्यादा सुपरहिट हुई है,
मोह माया के बस में होकर बोझ बांध लिया सर के और पागल हो रहा घर कुंडे की झूठी कोली भर के। अच्छा। माया के बारे में लिखा है उन्होंने अपने ब्रह्म ज्ञान में गाई है ये, और आजकल इसकी भी लोग साफ काटे हैं। अच्छा। इसकी जो अंतिम जो कली है जी वो मैं आपने सुना हूँ। लक्ष्मी चंद स्वपन की माया बड़े बड़े रे कह गए, छतर सिंह जो ना समझे मैं भूल जाल में फह गए, तन अगले प्यारे आन बनाए बता पाछले प्यारे कित रह गए, ईसा जाननिया से तो बता तेरे मात पिता कित बह गए, बहुत बार लिया देख तने लख चौरासी में फिर कह, और मोह माया के बस में हो गए बोझ बांध लिया सर कह, पागल हो रहा घर कुंडे की झूठी कोड़ी भर के। इसकी छाप काट रखी है, इसकी भी छाप काट रखी है जी। इसमें जो लाइन है इनकी, छतर सिंह जो ना समझे मैं भूल जाल में फह गए, इसमें छतर सिंह की जगह लिख रखा है गाँव है जी, समझदार जो ना समझे मैं भूल जाल में फह गए। इसका कोई तुक नहीं बनता, ना कोई छंद बनता, ना कोई अलंकार बनता इसमें, और इस प्रकार कवि का नाम काटने में बल्कि लोगों को दुख भी होता है, उनके जो फैन हैं जो सुनने वाले वो हमको भी आगा कहें भाई इस तरह आपके पिताजी की रागनी के छाप काटे हैं, और बहुत दुखी होगा आज हमने यो इंटरव्यू देना पड़ा है जी, ये परेशानी वाली बात है। एक और रागनी है जी जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई है, काफ़ी अपने गांव भी हैं उसने, और वो है जी जैसे ये कहें ले कर दे दे करके खा ले, इस तक कौन जबर हो है, और नुगुना मानस आँख बदल जा समझदार की मर हो है। लेकिन कवि पंडित छतर सिंह जो हमारे पिताजी ने ये गाया है, हो पिया दे देना चाहिए जिसका कर्जा सर हो है, और नुगुना मानस आँख बदल जा समझदार की मर हो है। वो अपनी हर जो चौथी कली होती थी अपने गुरु का नाम लगाया करते, लेकिन आज के जो गायक हैं वो उनका नाम तो काट दें, गुरु जी का तो रखें लेकिन उनका नाम काट दें भाई, कवि की जो अपनी रचना है अपना उत्पादन है उसको ख़त्म क्यों कर रहे हो, कवि का नाम लुप्त क्यों कर रहे हो, यह हमें दुख है जी इस बात का। आप क्या संदेश दोगे मीडिया को जी? मैं ये संदेश दे रहा हूँ जी, जो मेरे कवि भाई हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है जी, जो अपने भजन गाओ उसको पहले अच्छी प्रकार से देख लें कि भाई किस कवि का लिखा हुआ है, और इस प्रकार से छाप काट के गावनियाँ और कवि का नाम लुप्त करनियाँ बहुत ही एक समाज के अंदर कलंकित व्यक्ति मानता हूँ मैं तो, और इस तरह नहीं करना चाहिए। और उसमें एक रागनी में कहा भी अपने जिया ने भाई छाप काट के गावनियाँ सबका सड़ा होया करे, ये तो बात बिल्कुल स्पष्ट हो रही है जी, और ये हमें दुख है, कवि की मृत आत्मा को भी दुख मिला है जब उनकी छाप काट के लोग गाँवे हैं, तो ये बहुत जो लोकप्रिय कवि हुए हैं हमारे पिताजी तो, और उनके जो फैन हैं यार, जो उनके समर्थक हैं, जो उनके सुनने वाले हैं, वो आकर हमने भी बताओ भाई इस तरह आप इस बात को ऊपर उठाओ, और दुखी होकर हम ये आज कह रहे हैं जी, ये बहुत गलत बात है। मास्टर जी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी, आपका भी धन्यवाद। थैंक यू।